हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा आज के इस वीडियो में यहां पर हम बात है कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल हैज टू बी अप्लाइड फॉर कैलकुलेटिंग दी प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड बताइए कौन सा प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे जब आप बिजनेस के प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे अकाउंटिंग पीरियड के डूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिस प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर या फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसिस बहुत ही सिंपल है देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई करने की बात की जा रही है तो आ, आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे जब आपको पता होगा कि आपके टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस आपके कितने हुए हैं और उनमें जो डिफरेंस होगा वही आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताएगा इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाए क्योंकि यही आपको बता सकता है कि आपका प्रॉफिट हुआ है या आपका लॉस हुआ है ठीक है नेक्स्ट देखिए

देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बात की जा रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे क्योंकि डे टू डे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट प्रॉफिट को इफेक्ट कर सकते हैं इसलिए हमें यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन इन अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंटिंग बैलेंस शीट या फिर ऑल ऑफ दी अब देखिए यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है जैसे कि आपके हो गए सैलरी या आपके डेली के टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया कन्वीनियंस एक्सपेंसेस हो गए ये सारे आपके डे टू डे बेसिस पर होते हैं और रेवेन्यू नेचर के हैं तो ये आपके कहाँ दिखाई जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहीं हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें ट्रेडिंग में हमारी क्या दिखाया जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं ठीक है बैलेंस शीट में तो हमारे रियल और पर्सनल अकाउंट शो किए जाते हैं इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो दिखाया जाता है कहाँ जर्नल लेजर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट अब ये भी मैंने आपको बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं जो हाई होते हैं ठीक है और जो बहुत कम टाइम में होते हैं और उनका प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता है तो इस तरह के एक्सपेंडिचर आपके बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर आर आल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर को और क्या बोलते हैं टेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर या फिर बैलेंस शीट आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख लीजिएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके बैलेंस शीट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं ठीक है नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब इनकर होते हैं जब हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं या फिर लॉस को प्रिवेंट करते हैं या फिर जो एंटरप्राइज है उसकी रेपुटेशन को मेंटेन करके रखते हैं या फिर यहाँ पर ऑप्शन है फोर्थ हमारा टिस्फाइंग देखिए अर्निंग कैपेसिटी को मेनटेन करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे किए जाते हैं ये सिर्फ कुछ टाइम तक के लिए हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं जबकि जो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट देते हैं ठीक है देखिए अभी मैंने आपको कैपिटल uh, के बारे में बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपसे यहाँ पे पूछ लिया बताइए अनफोर्चुन लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए अर्निंग कैपेसिटी के लिए तो ये तो ऑप्शन कट गया क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी तो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए होती है फिर गुडविल uh, को मेन्टेन करने के लिए या फिर नन ऑफ दी क्या होगा आंसर बताइए देखें, यहां ये यही सारे ऑप्शन थे तब आपने क्या बताया था और यहां बताइए ऑप्शन होमवर्क में और क्वेश्चन आपको ओके ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए फॉरेन इंजीनियरिंग कंसर्न द एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज डेस एक्सपेंडिचर इफ द प्लांट इज में फॉर रीसेल बताइए देखिए प्लांट एंड मशीनरी पे आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया है और वो वो आपको रीसेल के लिए रखना है तो ये छोटे मोटे यानी आपने रिपेयर कराई है उसको ठीक है तो ये छोटा खर्चा हो गया रेवेन्यू आपका कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट है आपने डिवेंचर इश्यू किए हैं उस पर आप, आपके खर्चे हुए हैं वो क्या है कैपिटल डेफर्ड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर नन ऑफ थी अब सिंपल है डिवेंचर आपका किस नेचर का है

ऐसे छोटे मोटे खर्चे करे हैं तो ये इस तरह के एक्सपेंडिचर आपके किस तरह कंसिडर किए जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेज ऑन मशीन परचेस्ड इज मशीन परचेज पर आपने कैरेज दिया है डायफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू है कैपिटल एक्सपेंडिचर है देखिए जब भी हम कोई मशीन खरीद के लाते हैं तो आप क्या कहते हो कि ये मशीन टोटल हमें इतने की पड़ी उसमें आप सारा खर्चा लगा लेते हो इंश्योरेंस का लाने का किराए का या फिर आपने उसको घर तक लाने में जो भी खर्चे करें वो सारे आप उसकी कॉस्ट में लगा के बताते हो कि टोटल ये मशीन हमें इतने में पड़ी तो इस तरह के खर्चे हमारे किस में कंसिडर किए जाते हैं ये सब हमारे कंसिडर किए जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में ठीक है ऑप्शन क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर ड्यूरिंग द ईयर बट पेड एज एडवांस फॉर कमिंग सच एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका इनकर हुआ है लेकिन वो एडवांस पे कर दिया है कमिंग इन ईयर के लिए तो क्या होगा इस तरह का एक्सपेंडिचर डेफर्ड हो जाएगा ठीक है क्योंकि इसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे इसलिए ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा ओके नेक्स्ट आइए कन्वर्जन इनटू कैश ऑफ एनी असेट एक्सेप्ट स्टॉक इज आपने कन्वर्जन किया है कैश का किसी असेट में लेकिन उसमें आपको आपने स्टॉक को छोड़ दिया है तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कैपिटल रिसिप्ट है रिकरिंग रिसिप्ट है या फिर नन ऑफ दीज है क्या हो जाएगा ये कैपिटल रिसीट ठीक है क्योंकि ये कैपिटल नेचर है सारा असेट में किया है असेट आपके लिए क्या हो गई कैपिटल हो गई नेक्स्ट है अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ अब कोई भी अमाउंट आपने रिसीव किया है सेल ऑफ गुड्स से क्या हो जाएगा ए हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंड रिसिप्ट ठीक है ये आपका एक रेवेन्यू रिसिप्ट है क्योंकि माल तो आप डेली बेसिस पर बेचते हो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने महीने में या साल में एक बार बेच रहे हो हाँ इसकी जगह अगर वो होती है आपकी असेट कि आपने असेट को सेल करके पैसे कमाए तो वो आपका कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाता ठीक है नेक्स्ट है लॉस हुआ है आपका शेयर और डिवेंचर को इश्यू करने में बताइए किस तरह का लॉस है शेयर sure एडवेंचर्स क्या है आपके कैपिटल ओके okay. और इस पर जो भी खर्चा होगा वो क्या होगा कैपिटल लॉस सिंपल है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आइए जो रेवेन्यू लॉस है हमारा वो यूजुअली उसको ट्रीट किया जाता है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करंट ईयर की बैलेंस शीट में या फिर ऑल ऑफ दी अबव बताइए क्या होगा आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा करंट ईयरस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके बी यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक इज एडेड टू डे अब ओपनिंग स्टॉक एड किया जाता है सेल्स सेल्स रिटर्न या फिर में आप डेली क्लासेस ले रहे हैं तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन में आपको इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो आपको करा चुकी हूँ तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं क्या होगा डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को हम परचेज में ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की बात की जाए तो वो सेल्स में ऐड किया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लोजिंग स्टॉक इज एडेड ये क्वेश्चन मैंने आपको इसका आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया तो अब तो आप इसका आंसर इजली कर सकते हैं क्या हो जाएगा सेल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक आपको बोनस पॉइंट मिल गया ठीक है वो मैंने ही रिवील कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मैन परचेज गुड्स फॉर रुपीज टू थाउजेंड बट एट प्रेजेंट इट्स मार्केट वैल्यू इज रुपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इट विल बी वैल्यूड एट अब ये किस पे वैल्यूड होगा बताइए आप इसको किस वैल्यू पे ट्रीट करेंगे या शो करेंगे इसको देखिए मार्केट में कितनी भी वैल्यू आप उन्हें कोई भी माल परचेस किया है तो जिसमें आपने परचेस किया हो या कम में परचेस किया हो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेजेस आपकी दिखाई जाती है किस साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कहा दिखाओगे वेजेस डेबिट साइड में ठीक है क्यों क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है और जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेबिट साइड होते हैं और जितने भी इनकम होती हैं वो हमारी क्रेडिट साइड जाती हैं ठीक है देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर इफ द एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड एज वेजेस एंड सैलरी इट विल गो टू यानी कि अगर हमारे एक्सपेंसेस वेजेस और सैलरी की तरह रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो ये कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज देखिए क्या हो जाएगा देखिए पहले वेजेस दे रखा है और आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर स्टार्टिंग में वेजेस दे रखा हो बाद में सैलरी तो आपको उसका ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरह करना है यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है और पहले सैलरी बाद में वेजेस दे रखा है तो ये होगा नॉन ऑपरेटिंग की तरह और आपको पी एन डल में दिखाना पड़ेगा तो यहाँ पे पहले वेजेस है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी जो कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब देखिए यहाँ पर रिवर्स कर दिया एक्सपेंस अब कैसे दिया है एंड वेजेस की तरह है. तो ये कहां दिखाया जाएगा ये पी एंडल अकाउंट में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकम्स लॉसेस या फिर प्रॉफिट्स क्या हो जाएगा आंसर इसका डेबिट साइड में हम दिखाते हैं सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्रेडिट साइड की बात करें तो हम सारे इनकम्स दिखाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट एट अ गिवन डेट शोइंग ऑन वन साइड द ट्रेडर्स प्रॉपर्टी एंड ऑन दी अदर हैंड एंड दिस डेफिनेशन गिवन बाय यानी कि जो डेफिनेशन दी गई है किसके द्वारा दी गई है देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपको याद होंगे ये क्वेश्चन तो आपको याद करने पड़ेंगे ठीक है इसमें कोई समझ में आने वाली बात नहीं है तो डायरेक्ट हम आंसर कर देते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन औप, बी जो कि है हमारा ए पाल्मर ए पाल्मर ने ये डेफिनेशन दी है ठीक है नेक्स्ट है अब बैलेंस शीट इज एन आइटमाइज लिस्ट ऑफ दाइब्रिटीज एंड प्रोप्राइटरशिप ऑफ अ बिजनेस ऑफ एन इंडिविजुअल एट अ सर्टेन डेट दिसन इज गिविन बाय अब ये वाली डेफिनेशन भी आपको बतानी है किसने दी है याद होगा तभी आप कर सकते हैं ये जो डेफिनेशन दी है ये दी है फ्री मैन ने ठीक है ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुछ स्टैटिक चीजें होती हैं जो जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते वो एज इट इज रहती हैं नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बताइए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जाते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ऑप्शन क्या हो जाएगा बी और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो जाएंगे हमारे पेन अकाउंट में सिंपल था ये नेक्स्ट देखिए बेड डेट्स इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर नन ऑफ दी अब बेड डेट कहा दिखाए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ठीक है क्योंकि ये हमारी कैसे हैं डायरेक्ट um, नहीं है नॉन डायरेक्ट है ठीक है नेक्स्ट देखिए इफ डिस्काउंट अलाउड अपीयर्स इन दी बैलेंस इट बी शोन एट दी साइड ऑफ ऑफ़ अकाउंट, अकाउंट ट्रेडिंग बैलेंस शीट या फिर नन अब बताइए अगर डिस्काउंट अलाउड जो किया था आपने वो आपका ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है तो आप किस के डेबिट साइड में दिखाएंगे ये दिखाया जाएगा हमारा पी एंडल के डेबिट साइड में ठीक है नेक्स्ट है अब आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट है वो किस तरह का अकाउंट है पर्सनल नॉमिनल रियल या नॉन नन ऑफ दीज मैंने टाइप ऑफ अकाउंट की आपके साथ शॉर्ट डिस्कस की थी तो वो अगर आपने देखी है तो आप इजीली बता सकते हैं उसमें मैंने स्पेशली यही एग्जांपल लिया था आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या हो जाएगा ए ये हमारा पर्सनल अकाउंट है और कौन सा वाला पर्सनल अकाउंट है ये बताइए ये हमारा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट ठीक है नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट हमारा दिखाया जाता है बैलेंस शीट के किस साइड में असेट लाइबिलिटी बोथेन ऑफ ए आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है आप ये सोच के चलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको पेमेंट करना है रह गई है तो आपके लिए लाइबिलिटी है तो ये बैलेंस शीट में किस साइड दिखाई जाएगी लाइबिलिटी साइड में सिंपल है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ कंपनी हैज टू प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब इन पार्ट वन ऑफ द शेड्यूल डैश टू दी कंपनीज एक्ट 1956 बताइए एक कंपनी जो है अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर पे करती है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट की आ, जो कि पार्ट वन शेड्यूल में प्रिस्क्राइब किया गया है क्या हो जाएगा आंसर शेड्यूल सिक्स के पार्ट वन में ये डिस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 ठीक है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विस सेक्शन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द दफेयर सेक्शन टू टेन सेक्शन वन नाइनटी नाइन सेक्शन फोर हंड्रेड एंड अलेवन एंड सेक्शन टू हंड्रेड एंड अलेवन बताइए किस सेक्शन में बताया गया है ये देखिए यहाँ पर हम बात करें बैलेंस शीट की कि ये हमें सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कंपनी के अकॉर्डिंग तो ये हमारी डेफिनेशन या फिर हम बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारा सेक्शन टू हंड्रेड एंड एलेवन में दिया गया है ठीक है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए इफ़ देयर इज एनी डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज़ शोन एज अगर हमारा कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो कहाँ दिखाया जाएगा रिजर्व में से डिडक्ट करेंगे या फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा या फिर रिजर्व में ऐड कर दिया जाएगा या फिर नन ऑफ देश बताइए देखिए यहाँ पे ना पी एन डल के डेबिट शेष की बात कर रहे हैं यानी कि आपके लिए क्या हो गया खर्चा हो गया तो ये डेबिट की बात करेंगे तो ये आपको रिजर्व में से डिटेक्ट करके दिखाना पड़ेगा और अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस की बात करते हैं तो ये आपका एडिशन हो जाता है रिजर्व के अंदर इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा डिडक्शन फ्रॉम दी रिजर्व ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अमाउंट दे रखा है आपको रिजर्व एंड सरप्लस का Uh, वो निकालना है आपको रिजर्वेंस सरप्लस का अमाउंट आपके जर्नल रिजर्व दे रखे हैं चार लाख बयालीस हजार के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है दो लाख अट्ठावन हजार का शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है आपका बाईस हज़ार का और शेयर प्रीमियम अकाउंट है आपका दो लाख ,00 का अब आपको यहाँ पर रिजर्वेंस सरप्लस का अपना अमाउंट निकालना है कैलकुलेट करिए डेबिट बैलेंस को डिटेक्ट करते हैं तो चार लाख बयालीस हजार में से आप ये वाली वैल्यू दो लाख अट्ठावन हजार को डिडक्ट कर दीजिए कितना होगा बारह में से यहाँ पर आठ गए कितना बचा आपका चार यहाँ तीन है तेरह में से पांच गए यहाँ बचा आपका आठ यहाँ तीन है जी दो बचा तो एक लाख चौरासी हजार हो गया ठीक है ये आपका कितना हो गया एक लाख चौरासी हजार अब यहाँ पर शेयर है इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये स्पेशल अकाउंट है और ये शेयर में ही काम आएगा और यहाँ पे शेयर प्रीमियम दे रखा है दो लाख का तो दो लाख को एक लाख चौरासी हजार में आप ऐड कर दीजिए आपका टोटल कितना रिजर्व एंड सरप्लस निकल कर आ जाएगा तीन लाख चौरासी हजार ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी जो कि आपका तीन लाख चौरासी हजार ठीक है होप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए डिस्काउंट अलाउड है, है आपका इश्यू ऑफ शेयर पर और डिवेंचर पर यह आपका कहाँ पर दिखाया जाएगा रिजर्वेंस प्लस में शेयर कैपिटल मिस एक्सपेंडिचर या फिर नन ऑफ दी अप इजली आप बता सकते हैं देखिये इसमें कहीं भी रिजर्व एंड सरप्लस की बात नहीं कर रहे ना ही शेयर कैपिटल से रिलेटेड है ये आपका एक तरह से खर्चा है क्योंकि आपने डिस्काउंट अलाउड किया है तो आपके लिए एक्सपेंडिचर है तो आपका ये जाएगा मिससेलिनियस एक्सपेंडिचर में ठीक है ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सेक्शन है जो कि आपको प्रोविजन किस सेक्शन मेक्स प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर ठीक है यहाँ पर आपको बताना है सेक्शन जो कि आपके फाइनेंशियल ईयर को एक्सटेंड करने के लिए काम आता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के सेक्शन दो सौ सोलह सेक्शन दो सौ बीस सेक्शन दो सौ दस या सेक्शन दो सौ तेरह क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सेक्शन 213 में ये हमारे बताया गया है कि हम किस तरह से अपनी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के जो फाइनेंशियल ईयर है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है सेक्शन 218 सौ अठारह ऑफ द कंपनीज एक्ट नाइनटीन प्रोविजन फॉर पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर इश्यू सर्कुलेशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ठीक है तो आपको बताना है ये इसका इन सबका जो प्रावधान है वो कहाँ है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए है पी एल के लिए है बैलेंस शीट और पी एल दोनों के लिए है या फिर ऑल ऑफ दी देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में से कोई भी हो सकता है जिसके लिए ये हमारा सेक्शन बनाया गया है कि अगर इसमें हम प्रॉपर इशू कर रहे हैं सर्कुलेट कर रहे हैं या पब्लिक कर रहे हैं तो इसके लिए पेनल्टी बताई गई है इसके अंदर ठीक है है नेक्स्ट द द कॉपीज़ ऑफ़ बैलेंस शीट एंड अकाउंट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन थर्टी डेज आफ्टर द दूटरी मीटिंग इंटरिम मीटिंग एनुअल जर्नल मीटिंग या फिर ऑल ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपको पी एंड एंडल और बैलेंस शीट की कॉपी जो है रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होगी विद इन थर्टी डेज किसके कौन सी मीटिंग के देखिए ये सब कॉपियां तो आपकी हर साल होंगी ठीक है पी एंड एंडल बैलेंस शीट हर साल बनाई जाएगी जबकि आपको पता है स्ट्रेचुरी मीटिंग सिर्फ एक बार होती है पूरी लाइफ में ठीक है तो स्ट्रेचुटरी मीटिंग हट गई और इंटरम मीटिंग मिड में होती है तो भी आप यहाँ पर सबमिट नहीं कर सकते अपनी पी एंड एंडल और बैलेंस शीट क्योंकि ये तो एंड ऑफ द ईयर बनती है अपने आप आ गया एनुअल जर्नल मीटिंग क्योंकि लास्ट में बनती है तो एनुअल जर्नल मीटिंग के विद इन थर्टी डेज के अंदर आपको ये अपनी बैलेंस शीट और पिन की कॉपीज अपने रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होंगी ठीक है अब आपको बताना है विद सेक्शन डील्स प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी सेक्शन 218 सेक्शन 210 सेक्शन 230 या फिर सेक्शन 211 क्या हो जाएगा आंसर सेक्शन टू टेन ठीक है यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सेक्शन टू टेन के आपको डील करना बताता है कि किस तरह से प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन होगा फाइनल अकाउंट्स का अगर आप ज्वाइंट स्टॉक की बात करें तो ठीक है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है अब आपको यहाँ पे गैप की फुल फॉर्म बतानी है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गोइंग अलायंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल या फिर नन ऑफ दी अब क्या होता है इसका मतलब गैप का देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि ऐसे प्रिंसिपल जो कि हर कोई उसको अडॉप्ट कर पाए इजी हो सबके लिए क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स जो आपने देखे हैं वो इस तरह के थे जो आपके इंटरनेशनल थे जो कि हर कोई उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था सबके काम करने का तरीका अलग था तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए जो कि ईजिली अडॉप्ट किए जा सकें और सबका सेम रहे इसीलिए गैप को लाया गया ठीक है तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हैं किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज जरूर बताइएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय